मैं जानता तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन यकीन मानो मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैंने तुमसे सच छुपाया क्योंकि क्योंकि मुझे डर था नेहा कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। नेहा प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड मी। कब से चल रहा है ये सब? शादी के पहले से। बात बताओ, क्या तुम्हें वाकई लग रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इतना गलत है? यहां समझने की कोशिश करो, यहां पर गोल्ड सस्ता मिलता है, यहां पर टैक्सेस नहीं लगते गोल्ड में, जबकि इंडिया में गोल्ड पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगती है, आम हिंदुस्तानी गोल्ड खरीद ही नहीं सकता है। मैं वो ड्यूटी कट करने के लिए, प्राइस कम करने के लिए यहां से सोना लेकर जाता हूं, वहां दे देता हूं, इसमें गलत कैसे हो सकता है? मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम दोनों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चे के लिए, एक अच्छी जिंदगी के लिए, एक लाइफस्टाइल के लिए। मुझे समझने की कोशिश करो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, यकीन मानो मेरा। तुम समझ रही हो? डैनी तस्करी के धंधे में इतनी दूर जा चुका था कि अब उसका वापस लौटना नामुमकिन था। नेहा को मनाने के लिए उसने जो कुछ भी कहा था सब झूठ था। नेहा जानती थी कि वो तस्करी की इस दलदल में न सिर्फ फंस चुकी है बल्कि बुरी तरह धंस भी चुकी है, और उसके इकरार के बाद तो डैनी को कोई डर ही नहीं रहा। उसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब वो खुलेआम नेहा का तस्करी के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जिन गहनों को देखकर अक्सर औरतों की बांचें खिल जाती हैं, वो गहने अब नेहा को जंजीर लगने लगे थे। ये क्या 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 भारी है, तकलीफ हो रही? रघु यार, खान चाचा को बोलो कि इस बार इससे ज्यादा माल नहीं जाएगा, नेहा को तकलीफ हो रही। और हाँ, ये भी बोलना कि आज के बाद माल जब भी जाएगा इससे ज्यादा नहीं जाएगा। हम अगर पकड़े गए तो? आज तक ऐसा हुआ है? एक्सक्यूज मी सर, पासपोर्ट प्लीज। सॉरी, पासपोर्ट प्लीज। प्लीज सर आइए, यहां आइए। नेहा, रिलैक्स। यस ऑफिसर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑफिसर। तो आप तो भरोसा है मुझ पर या नहीं? गर्व महसूस कर रही हो अपने पति को लेकर या नहीं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कर तो रही हो लेकिन बताओगे नहीं। तुम औरतों को मिस्टीरियस बन के क्या मिलता है पता नहीं, और आपको आपकी पोजीशन का फायदा लेने में क्या मिलता है मुझे नहीं मालूम। ओह क्या बात है। अच्छा सुनो, तुम ये रुको, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी लेकर आता हूँ। मेरे लिए मतलब? आप साथ नहीं आ रहे? मुझे थोड़ा सा काम है, लाला भाई से मिलना है, तो मैं वो खत्म करके घर आ जाता हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। हाँ तो मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, वापस आऊंगा ना, लाला भाई से मिलूंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम रुको यहाँ।
लाला भाई क्या बात है, परेशान लग रहे हैं। क्या बोलेगा, ये साला कस्टमरों ने जीना हराम कर रखा है। क्या बात, क्या हुआ? ये कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने एक नवा किस्म का मशीन उधर से मंगाया है, स्कैनर। अभी ये स्कैनर ऐसा है कि कितना भी होशियारी कर लो अपन का माल पकड़ जाता है। अभी उधर से जो गहना बनवा करके सोना इधर लाता है ना, काफी नहीं है। मार्केट में बहुत डिमांड हो गया गोल्ड का, वो समझ में नहीं आ रहा, दिमाग का घंटी बज गया। लाला भाई फिक्र मत कीजिए। क्या मतलब? भरोसा है ना मुझ पर? अरे कैसी बात कर सकते? अरे तेरे पे तो पूरा 100% भरोसा है, जानता है मैं तेरे दिमाग की गिरफ्तारी को। वैसे इस बार क्या करने की सोच रहा है तू? पता नहीं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आराम से अपना ड्रिंक, मेरा मतलब है अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। ठीक, बस अब इसमें गैस भर दे। ये नहीं काम करने वाला, अब ये स्कैनर में पकड़ा जाएगा, सारी मेहनत बेकार जाने वाली। अबे मामू की औलाद, अक्ल तो है नहीं तेरे पास, पर तू बकवास करेगा जरूर। ठीक है बाबा, अभी आप मुझे कुछ मत समझो, लेकिन देखना एक दिन मेरे पे फिल्म बनेगी, फिल्म। हो गया सब। लाला भाई चेक कर लीजिए, चल रख उसको स्कैनर पे। ये हुई ना बात, देख कर दिखाया मेरे शेर ने। अब क्या बोलता मामू की औलाद? है नहीं तेरे जैसा शातिर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्या कमाल का भैया तेरा, बोले तो मस्त। चला फोन दे। लाला भाई बोलिए। तूने वाकई एक हीरे को चुना है खान। मैंने डिसाइड किया है कि तेरे बाद अपना बिजनेस, अपना डैनी संभालेगा। क्या क्या लगता है? नेहा ऊपर छत पर है। इस वक्त नहीं, ऐसे वक्त। मतलब खुद ही जाके देख लो। अरे पानी तेरी पियून जा। नेहा अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगे तो तुम भी पागल हो जाओगी। सुनाओ क्या? लाला भाई ने खान चाचा को फोन करके क्या बोला? उन्होंने बोला खान तुम्हारे बाद हांगकांग को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? तुम्हारा आहो है कि नहीं खुशी की खबर? तुम खुश हो ना? अरे मैं भूल गया, तुम कुछ कहना चाह रही थी मुझे। अरे हे का है?
इतनी बड़ी खबर और दोनों चुपचाप। कौन सी खबर आई? अरे बाबा क्या नेहा तू भी अभी तक अपने पति से शर्माती है? अच्छा चलो मैं ही बोलती हूँ। धनंजय बेटा तुम्हें बाबा बुलाने वाला कोई आने वाला है, तुम बाबा बनने वाले हो और ये मेरी नेहा आई बनने वाली है। डैनी को दोहरी खुशखबरी मिली, वो जो मुठा खास करके बच्चे के आने की खबर से वो फूला नहीं समा रहा था। डैनी और नेहा की जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई। डैनी ने अपनी बेटी का नाम माया रखा। अपनी बेटी के जन्म के बाद तो डैनी की तस्करी और भी बढ़ने लगी। दूसरी ओर नेहा के लिए माया ही उसकी जिंदगी बन गई थी। जाने अनजाने वो तस्करी के लिए इस्तेमाल भी हो रही थी। दिल कचोटना था लेकिन शिकायत करे भी तो किससे? क्या नेहा ने अपने भाग्य के साथ समझौता कर लिया था? वक्त बीतता गया। माया अब 1 साल की होने वाली थी। डैनी और नेहा उसके पहले जन्मदिन की खरीदारी करने निकले। My wife was sitting there with a small child. Have you seen? Neha. किसकी कारस्तानी है? कौन हो सकता है? जिसने भी किया हो उसे ढूंढना होगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे खान चाचा। उसने मेरी बीवी और बच्ची को अगवा किया है। हेलो, लाला बोल रहा हूँ। जी लाला भाई, एक खबर देनी थी। जी बोलिए लाला भाई। खबर तेरे वास्ते नहीं है खान, डैनी के लिए। जी भाई। डैनी, लाला भाई तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो, तेरी बीवी की खबर मिली है। क्या कहाँ है वो? तेरी बीवी बॉम्बे में है। बॉम्बे में? रऊफ और उसके लोगों ने उसे देखा था, पर इसके पहले कि रऊफ उसको पकड़ पाता उसके पहले ही तेरी बीवी भीड़ में गुम हो गई। उसके साथ एक आदमी था, अपन ने पता लगाया, वो सुधीर नाम था उसका। और हाँ, उसके साथ में तेरी बेटी भी थी। ये मेरे दोस्त है सुधीर। डैनी यकीन नहीं कर पा रहा था कि सीधी साधी नेहा ऐसा भी कर सकती है। रऊफ ने अपने आदमियों के साथ नेहा और सुधीर को ढूंढने की भरसक कोशिश की लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बीत गए और आखिरकार लाला ने डैनी से मिलने की ठानी। लाला भाई, मुझे मेरी शराब दे दीजिए, मुझे जरूरत है उसकी। कैसा आदमी है रे तू? तेरी बीवी और तेरी बेटी गायब है और तू इधर नामर्दों के माफिक बैठ करके दारू पी रहा। ऐसे मिल जाएगी वो कि खोजना भी पड़ेगा। उन्हें खोजने की कोई जरूरत नहीं है। पागल हो गया तू? अरे खोजेंगा नहीं तो फिर मिलेंगे कैसे? सिंपल है लाला भाई, कल मेरी माया का पहला जन्मदिन है और बिना केक के जन्मदिन मनेगा नहीं, तो शहर की हर एक केक शॉप पर आप अपना आदमी तैनात कर दो। जिस किसी केक पर ऐसा लिख कर आएगा, हैप्पी फर्स्ट बर्थडे माया। ये एड्रेस बताएंगे?
बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाहर नजर रखना, कोई अंदर ना आने पाए। जी भाई। मैं आपको सब सच बता दूंगी। मैं आपको सब कुछ बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप मुझे पता है कि आपको बहुत बुरा लगा है, लेकिन आप मेरी तरफ देखिए तो सही। मैं आपसे सब सच कहने के लिए तैयार हूं। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो, नहीं, जब से तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे दिमाग में एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों सवाल डेरा डाले हुए हैं। तुम रिलैक्स करो, जूस पानी कुछ पियो, फिर मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। देखिए, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। ये सवाल तो मैंने पूछा ही नहीं, लेकिन अब पूछूंगा और तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। मेरा पहला सवाल, मेरी बेटी माया कहाँ है? वो मेरे साथ है और वो बिल्कुल ठीक है। मेरा दूसरा सवाल, सुधीर कौन है? आप जानते हैं उसे। सुधीर कौन है? मैं बचपन से सुधीर से प्यार करती थी और मैं उससे शादी करना चाहती थी। तो मुझे बताया क्यों नहीं? शादी से पहले मैंने तुमसे पूछा था। बाबा, मेरे बाबा नहीं चाहते थे कि मेरी शादी सुधीर के साथ हो, क्योंकि उन दिनों सुधीर की कमाई कुछ ठीक नहीं थी। मेरे बाबा को एक अमीर और NRI दामाद चाहिए था, इसीलिए आपके साथ शादी करने के लिए मुझे हाँ कहना पड़ा। ये शादी मुझसे जबरदस्ती करवाई गई। मेरे एक इशारे पर तुमने अपना रहन सहन, अपना पहनावा सब कुछ बदल दिया, मेरे साथ रिश्ता कायम किया, मेरे बच्चे की मां बनी। अगर तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी तो ये सब दिखावा था। नहीं, ये सब एक दिखावा नहीं था, ये सब मेरी कोशिशें थी। मैं हमारी शादी को एक मौका देना चाहती थी। मैंने एक नहीं, दो नहीं, कई सारे मौके दिए हमारी शादी को। मैं सुधीर को भूल जाना चाहती थी, आपके साथ खुश रहना चाहती थी, आपसे प्यार करना चाहती थी। तो फिर क्या हुआ? सिर्फ मेरे जाने से क्या होता है? मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी क्या? प्यार? वो प्यार कहाँ था? एक पति अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए जो कुछ भी कर सकता है मैंने किया। ऐशो आराम, एक अच्छी जिंदगी, सब कुछ दिया तुम्हें, सब कुछ किया सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम कहती हो वो प्यार नहीं था। प्यार? वो प्यार कहाँ था? वो आपका स्वार्थ था, और प्यार में स्वार्थ नहीं होता। आपने पैसे कमाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, मुझसे स्मगलिंग करवाते थे आप। तुम कभी पकड़ी तो नहीं गई ना? आपको लगता है कि सिर्फ पकड़े जाने पर ही एक इंसान चोर होता है ना? मैं आज यहां हूं, आपके सामने हूं, पकड़ी गई हूं,
तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं पकड़ी नहीं जाती तो आप जिंदगी भर मुझे याद करते और दुख होता आपको। तो फिर इतना इंतजार क्यों किया? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मजबूर थी। जिस दिन आपने मुझसे पहली बार स्मगलिंग करवाई थी, मैं तो उसी दिन भाग जाना चाहती थी। घुटन हो रही थी मुझे आपके साथ रहने में। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, लेकिन मेरे पेट में भी कोई सांस ले रहा था। इसीलिए मैंने इंतजार किया। और फिर मैं उसके पास वापस आ गई, जो बिना किसी स्वार्थ के मेरा इंतजार कर रहा था। सुधीर। हाँ सुधीर। उसी ने मेरे पैसे चुराए थे ना? नहीं, सुधीर ने आपके पैसे नहीं चुराए, आपके पैसे मैंने चुराए। मुझे ये पैसे नहीं चुराने चाहिए थे, पर अब मैं क्या करूं? अब इन्हें जला दो या धनंजय को वापस कर दो, लेकिन इस पर हमारा कोई हक नहीं है नेहा। गलत किया मैंने, बहुत गलत। मैं स्मगलिंग करूं तो चोरी, और तुम पैसों की चोरी करो तो? खैर, आपके पैसे बिल्कुल सही सलामत है। सुधीर ने तो उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया, पर ना आज हम कहीं विदेश में होते। मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे पास है। मुझे अपने पैसों की एक एक पाई वापस चाहिए। ठीक है। और मुझे मेरी बच्ची भी वापस चाहिए। सॉरी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। एक बच्ची अपनी माँ से अलग होकर नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहती कि माया आपके साये में पले। तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं कर लेती हो नेहा? अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, मुझे माया लौटा दो, और दूसरा, माया के साथ साथ तुम भी मेरे पास वापस चली आओ, और सुधीर को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। वो अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं सुधीर की बच्ची की मां बनने वाली हूं। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? भाई ये तो मर चुकी है। अभी तेरा हाथ है क्या हथौड़ा? ठीक ही झापड़ा में जान ले ली। हो गया सो हो गया लाला भाई, मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से मेरा हाथ किसी हथियार से कम नहीं रह गया। कुछ बहुत अचानक हो, लेकिन मुझे अफसोस नहीं इस बात का। लेकिन अभी तक तो पुलिस को सब कुछ पता चल चुका होगा। तेरे को पूरे शहर में कुत्ते की तरह ढूंढ रही होगी पुलिस। बाबा ठीक कह रहे हैं, होटल का कमरा तेरे नाम पे बुक है, तो इल्जाम भी तेरे सर पे आएगा। अगर तू यहाँ से हांगकांग भागने की कोशिश करेगा तो एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तार हो जाएगा। सुन, तू एक काम कर, तू कुछ दिन के लिए इधर ही अंडरग्राउंड हो जा, उसके बाद फिर किसी ट्रक में बैठ करके। लाला भाई, मेरी बच्ची?
वो तो मुझ पे छोड़ दे। सुधीर को तो हम कैसे भी पकड़ लेंगे और फिर तेरी बेटी को तुझ तक पहुंचा देंगे। अभी तो कट ले यहां से। नेहा, मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। हाँ बोल, अब क्या लेने आया है, क्या बात करनी थी तुझे? काका वो नेहा के बारे में। खबरदार, बारा मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। तुम्हारी वजह से हमारी नेहा आज हमारे बीच नहीं है। उसकी वजह से नहीं, आपकी वजह से। आपकी वजह से मेरी नेहा हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। उसने क्या किया है? वो तो प्यार करता था नेहा से, शादी करना चाहता था, लेकिन आपको एनआरआई दामाद चाहिए था ना। उस लालच में आपने मेरी बेटी की बलि चढ़ा दी। अगर आज वो सुधीर से शादी करती तो कम से कम खुश तो होती, जिंदा होती मेरी बच्ची। काकी, काकी संभालिए अपने आप को, कि जो होना था वो तो हो चुका ना। शायद किस्मत तो यही मंजूर था काकी, और अब काका को दोष देके कोई फायदा नहीं। नहीं बेटे, नेहा की बात सही कह रही है। मैंने अपने लालच की खातिर अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। मैंने ही अपनी बेटी को उस स्मगलर के हाथों सौंप दिया, और उस कबीले ने मेरी बेटी की जान ले ली। काका ये रोने का वक्त नहीं है। उस डैनी ने हमारी सीधी सादी नेहा को अपने घिनौने काम में सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं किया, उसने उसका खून भी किया है। और हम उसे इस तरह माफ नहीं कर सकते। लेकिन बेटा हम कर भी क्या सकते हैं? वो इतना बड़ा स्मगलर है, वो उसके ऊपर बड़े बड़े गुंडे बदमाश है। बेटा मुझे सिर्फ फिक्र है तो नेहा की बेटे की, माया की। कहीं वो दरिंदा। नहीं काकी, मैंने नेहा से वादा किया है कि मैं उसकी बेटी की हर हालत में हिफाजत करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे नेहा पे हुए अत्याचार और उस खूनी डैनी से बदला लेना है। उसके लिए आप दोनों को कुछ दिनों तक माया की देखभाल करनी पड़ेगी। नीचे क्या साहब? क्या है गाड़ी में? खाली पुटन। वो हम देख लेंगे, तू अपने पेपर बता। बहुत जल्दी से जाने दे। नहीं, एक खूनी फरार है, हमें उसी की तलाश है, हमें अपना काम करने दे। चल निकल। ठीक है साहब। तो
पहले तेरा बाप देश छोड़ के विदेश चला गया, मैंने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। और एक तू है, पता नहीं क्या क्या करके आया है तू। चाचा, चाचा मेरा यकीन कीजिए, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मेरी मदद कीजिए आप। अब तो पुलिस भी तुझे चारों ओर ढूंढ रही होगी, तू यहां रुकेगा तो हमारे ऊपर भी कोई मुसीबत आ जाएगी। तो भाई सुबह से उस सुधीर का कोई आता पता नहीं है। भाई मैं उसके घर पे भी गया था मगर वहां ताला लगा हुआ था। भाई लगता है साला हमसे डर के भाग गया। तेरे को बोला था उस पर नजर रखने को, भागा कैसे? वो नशे में था कि सोया था तू? भाई हमें माफ कर दो, मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अगर सुधीर नहीं मिला ना तो बाबा हमको माफ नहीं करेंगे। भाई साहब ये चांगली चौल कहां पर है? आगे से जाके राइट। अरे भाई साहब लाला साहब कहाँ मिलेगी? सुधीर मिल गया है, चलो। गलती हो गई चाचा, इस बार मेरी मदद कर दीजिए। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, मैं जिस बैंक में काम कर रहा हूं उसी के कस्टमर से। मैंने सुना है कि वो लोगों को बॉर्डर पार करवाते हैं, मैं उनसे बात करके देखता हूं शायद वो तुम्हारी मदद करें। लेकिन वो लोग पैसे बहुत मांगेंगे। जी चाचा इस वक्त तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन मैं गारंटी देता हूं एक बार मैं हांगकांग पहुंच गया ना उनकी मुंह मांगी रकम मुझ तक पहुंचा दूंगा। साले बहुत दौड़ाया तू पर अब खुद ही यहां मरने आ गया। राव भाई बार बार लाला भाई से मिलने के लिए बोल रहा था। मैं अपने आप को आप लोगों के हवाले करने आया हूं, मुझे बस एक बार लाला भाई से मिला दो। पापा से मिलेगा तू, चल मिलवाता हूँ। मारो साले को। मुझे एक बार लाला से मिला दो, चाहे तो मुझे मार देना। पापा तो उससे क्यों मिलेंगे? मैंने सुना है कि लाला जी बड़े ही इंसाफ पसंद इंसान हैं, सबको अपने सफाई देने का मौका देते हैं। मुझे भी अपनी सफाई देने का मौका चाहिए इसलिए मिलना चाहता हूं। ठीक है मैं बात करके देखता हूं, तब तक तू सर्वन क्वार्टर में छिपा रहे हैं, तड़के ही चले जाना। अगर किसी ने तुझे देख लिया और पुलिस को इत्तला कर दी तो तेरे साथ साथ हम दोनों भी फंसेंगे। वैसे भी तुझे ढूंढने के लिए पुलिस घर जरूर आएगी। तूने जो घिनौना गुनाह किया है वो माफी के लायक नहीं। लाला को गद्दारी बर्दाश्त नहीं, तुझे मार देना ही बेहतर होगा। लाला साहब मैंने सुना है कि आप सभी को सफाई देने का मौका देते हैं। मैं बड़े उम्मीद से आया हूँ आपके पास लाला साहब, मुझे भी अपनी सफाई देने का एक मौका दे दीजिए। बोल, क्या बोलना चाहता? लाला साहब मैंने आपका एक 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 रुपया लौटा दिया, मैंने तो आपके पैसे भी नहीं चुराए थे, वो तो नेहा ने जबरदस्ती पैसे उठा लिए थे। क्या आपको अभी भी लगता है कि मैंने कोई गद्दारी की है? मेरे पैसे लौटा दिए तो क्या तू पाक साफ हो गया? तूने डैनी की बीवी को बहला फुसला करके अपने प्यार के चक्कर में फंसाया, उसे यहां भगा करके ले आया, क्या ये गद्दारी नहीं है?
ये गलत है लाला साहब। आप चौल में किसी से भी पूछ लीजिए, वहां सब आपको सच बताएंगे कि मैं और नेहा बचपन से एक दूसरे को चाहते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन नेहा के बाबा को मैं पसंद नहीं था क्योंकि मेरी आमदनी कम थी। वो नेहा के लिए एक एनआरआई दूल्हा चाहते थे। इस कंगाल के साथ शादी करना चाहती है तू? और फिर खाएगी क्या, रोटी और नमक? मूर्ख मुलगी। और तू, तेरी औकात ही क्या है? नेहा को डरा धमका कर उसकी शादी जबरदस्ती धनंजय के साथ करवा दी गई। मैंने और नेहा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी प्यार की कुर्बानी दे दी। तभी नेहा का मुझे फोन आया। मुझे घुटन हो रही है यहाँ, मैं नहीं जी सकती इस तरीके से। टैनिंग को स्मगलिंग करता है और मुझसे भी करवा रहा है। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ सुदीप। नेहा घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। आप ही बताइए लाला साहब, क्या किसी औरत के मर्जी के खिलाफ उसे गलत धंधे में इस्तेमाल करना चाहिए? क्या ये जायज है? वो तो बहुत पहले मेरे पास वापस आ जाती, लेकिन जब उसे पता चला कि वो डैनी की बच्चे की माँ बनने वाली है, तो बच्चे के खातिर उसने इस घुटन को भी स्वीकार कर लिया। पर वो मुझसे मिलती रही क्योंकि इस घुटन में मैं ही उसका एक सहारा था। और हमारा प्यार बढ़ता गया और हमारी प्यार की निशानी उसके पेट में पलने लगी। और फिर बस उसे लगा कि अब और नहीं, और वो मेरे पास वापस आ गई। लाला साहब, क्या वाकई में आपको लगता है कि प्यार करना गुनाह है? अगर गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं और मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। बकवास बंद कर और ये बताओ, बच्ची कहाँ है? मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं बताऊंगा कि नेहा की बेटी कहाँ है। मैंने नेहा को वादा किया है कि मैं उसकी बेटी को इस दुनिया से दूर रखूंगा, पर यह वादा मैं मरते दम तक निभाऊंगा। मैंने नेहा को और उसके कोख में पलने वाले अपने बच्चे को तो खो दिया, लेकिन मैं उसकी आखिरी निशानी को कभी नहीं खोऊंगा। यार रुक, मुझे इसकी आंखों में सच्चाई दिख रही है। वैसे भी प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, ईमानदार है। इसने हमारे पूरे के पूरे पैसे वापस लौटा दिए। सही कह रहा है ये, हमारे धंधे में कोई भी बीवी बहन या बेटी का इस्तेमाल नहीं करता। हमारे यहां धंधा अलग और फैमिली अलग। क्या तुझे लाला ने छोड़ दिया? थैंक यू लाला साहब। लाला साहब, मैंने सुना है कि आप इंसाफ पसंद इंसान, मुझे भी आपसे इंसाफ चाहिए लाला साहब। अब और क्या कहना बचा? लाला साहब, मैं नेहा की बेटी का ख्याल रख रहा हूँ और मरते दम तक रखूंगा, लेकिन डैनी ने मेरी नेहा को मारा है लाला साहब, जब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। क्या आपको लगता है कि एक गर्भवती औरत का खून करना गुनाह नहीं है? बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना, चल जा बोला अब। मुझे इंसाफ चाहिए लाला साहब। जा। मुझे डैनी चाहिए लाला साहब। सिर्फ आप ही मुझे डैनी दे सकते हो लाला साहब। सहारनपुर, वहां उसका चाचा बैंक में काम करता है। दोनों उस तरफ जाओ और तुम इस तरफ। कौन है? मैं हूं धनंजय भैया। प्रकाश। प्रकाश, क्या बात है, सब ठीक है? सब ठीक है भैया, आप दरवाजा खोलो। क्या
मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। अरे धनंजय, पकड़ो उसे, पकड़ो, धनंजय, पकड़ो, धनंजय, पकड़ो। याद रखिए, कोई भी अपराधी कानून से बड़ा नहीं हो सकता। डैनी पर मुकदमा चला जहां सुधीर ने उसके खिलाफ गवाही दी। डैनी के सारे गुनाह साबित हो गए और सेक्शन 123 के तहत तस्करी किए गए सोने के बाजार मूल्य का उसे भुगतान करना पड़ा और साथ ही 7 साल की सजा भी हुई। इसके अलावा नेहा की हत्या के अपराध में उसे IPC की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आखिरकार डैनी को अपने किए की सजा मिली और सुधीर को अपने प्यार के कातिल से बदला। नेहा को तो खो चुका था सुधीर, लेकिन अब भी उसके पास जीने का एक मकसद था, नेहा की बेटी माया। अब सुधीर के जीने का वही सहारा थी। पैसों की लालच में अक्सर लोग बुराई का रास्ता अख्तियार कर लेते, लेकिन गलत तरीके से कमाया गया सुख कभी फलता नहीं है। यही डैनी के साथ भी हुआ। आप होशियार रहें, अपने बच्चों को ईमानदारी से जीने की तालीम दें, उनकी संगत पर नजर रखें, तभी उनके सुनहरे भविष्य का निर्माण होगा और देश की उन्नति होगी। इसी तरह की और भी सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।